scholarship. We won. कोई चेंज नहीं है, जो पहले वेटर सिचुएशन थी वो उससे भी अब बदतर हालत हो गई हमारी स्टेट की। जब 5 अगस्त को ये प्लान हुआ तो पहले ही थोड़े से क्योस लगाए जा रहे थे कि 370 नहीं टूटेगा, 35A टूटेगा। तो बेसिकली जहां आपने देखा कि ये अचानक से हो गया, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, बस ऐसी आर्मी डिप्लॉय की जो हमारे हक थे, राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से वायलेट हो गई है। आज भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जब तक कि एक हेयरिंग नहीं हुई है, आज 1.5 साल होने को आया है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। आप कैसे कहेंगे कि ये J&K इंडिया के साथ है, जब हम इंडिया के साथ फील ही नहीं कर रहे। हमारे जम्मू में 4G नेट भी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्लासेस भी नहीं हो पाती हैं। हम जैसे घर में बैठे हुए, हम शहर सिटी के रहने वाले नहीं हैं, हम गांव के रहने वाले हैं। गांव में इतना स्लो नेट है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती हैं। आर्टिकल 317 हटने से रिजर्वेशन भी गई, और इससे मेन इफेक्ट ही हमें जॉब्स, हमारे मतलब रहता है कि हम स्टडी करेंगे, जॉब्स हमारी जॉब्स लगेंगी, हम अपने लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे, बहुत होता है। बट अगर हमारी रिजर्वेशन हट गई, जॉब्स ही नहीं मिलेगी, हम क्या करेंगे? स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, जैसे स्कॉलरशिप ही नहीं आएंगी, हम कैसे आगे पढ़ पाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट तो इतनी ज़्यादा है ना, हद से ज़्यादा। बच्चे अब स्टूडेंट भी इतने मतलब मजबूर हो गए हैं कि वो भी गलियों में कोई छोटा मोटा काम की मतलब करना चाहते हैं। आप 12th के बाद किसी फॉर्म में अप्लाई कीजिए, बट वो ग्राउंड रियलिटी हमें पता है कि आप 2011 के फॉर्म लगे थे एक अकाउंटेंट असिस्टेंट के सेक्रेटरेट में, और उसका रिजल्ट 2019 में आता है, तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि जो बच्चा एक सिंगल था वो मैरिड होके उसको जॉब मिल रही है, तो उसका फ्यूचर कैसे किसे सेट होगा? सेंटर लॉ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 15% रिजर्वेशन क्यों नहीं कर रहे SC ST की? UT में ये था कि आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, बेटर क्वालिटीज मिलेंगी, और आपके जो लैंड राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होंगे। आजकल देखिए यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट तबका है, मैक्सिमम मैं कहता हूँ 98% के पास जो रोशनी एक्ट का दी हुई लैंड थी वही थी। अगर आप वही ले लेंगे तो ये फार्मर्स क्या करेंगे? सी एप्रिहेंशन अमॉन्ग द यूथ इज द यूथ ऑफ द J&K इज वेरी मच एजिटेटेड, एंड आए दिन प्रोटेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि हो रहे हैं। अनदर थिंग इज दैट द मेन रीजन दे आर नॉट रिस्टोरिंग द 4G इन द स्टेट, it's only because they know that the youth of the state will use that means to raise their voice. haryana sarkar ne kiski sarkar hai haryana mein bhartiya janata party ki wahan pe 75% reservation kar di hai locals ke liye jahan jo baki states jo kar rahi hain hamari state mein barakas ho raha hai uske ulta ho raha hai har cheez hum logo ke sath kya ho raha hai jo baki states apni रीजन को बचा रहे हैं, अपने लैंग्वेज को बचा रहे हैं, अपने जॉब्स को बचा रहे हैं, हम लोगों में क्या किया? हम लोग खुद मुख्तियार थे, ऑटोनॉमस थे, स्पेशल स्टेटस था, सब कुछ छीना, फिर यहाँ पे क्या किया? लखनपुर के दरवाजे खोल दिए, आप आइए। छात्रों का जो स्कॉलरशिप है उसको रोक के रखा है। BJP has misguided the people of J&K, not only the Jammu, J&K. At the time of the revocation of 370, and if I am not wrong, BJP has ensured the people of J&K that they will save the rights of Jammu people and J&K people, for example the law and jobs. But as in the present situation, we all are seeing the situation, not only they had betrayed us, but matlab agar main bolunga ki दिन दिहाड़े जिस तरीके से कहते हैं कि युवाओं के सपनों को रौंदा गया।